सो गाइस 25,000 एक मिड रेंज कैटेगरी है किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने की। लेकिन अभी के टाइम में इस रेंज में आपको कई फीचर्स फ्लैगशिप लेवल के भी मिलने लगे हैं, जिससे फोन काफी पावरफुल और तगड़े तगड़े हो चुके हैं। तो इसी को देखते हुए आज के वीडियो में हम अंडर 25,000 के प्राइस रेंज में आने वाले टॉप 5 बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी और इस सेगमेंट की अल्टीमेट परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ फोन डेडिकेटेड गेमिंग पर्पज से और कुछ कैमरा पर्पज से बने होते हैं। तो कौन सा फोन गेमिंग या कैमरा पर्पज से बेस्ट होगा, ये डाउट भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें ग्रो करने में थोड़ी हेल्प होती है। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है Vivo T2 Pro स्मार्टफोन। गाइस Vivo का ये फोन डिजाइन वाइज काफी अच्छा है, इसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस भी तगड़ी मिल जाती है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर, जो हैवी गेमिंग भी स्मूथली करा देता है, और इसमें हीटिंग मैनेज करने के लिए वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है, जो इसमें एक एडवांटेज है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और इसके मेन कैमरे में OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरे इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का, SDR10+ का सपोर्ट और ब्राइटनेस 1300 की मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 4600mAh की बैटरी के साथ आता है, और चार्जिंग इसमें 66 वाट की मिलती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि आप इसके टॉप वेरिएंट 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं, तो ये फोन आपको 25,000 में मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है Realme 12 Pro स्मार्टफोन। गाइस Realme का ये फोन कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी लेके आता है, तो अगर आपको अंडर 25,000 के बजट में किसी Realme के फोन को लेना हो तो Realme 12 Pro आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है Qualcomm का पावरफुल प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 6 Zen 1, जो काफी अच्छा चिपसेट है। इसके अलावा इस फोन में हीटिंग रिड्यूस करने के लिए 3D वेपर कूलिंग सिस्टम भी मिल जाता है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में सोनी IMX882 सेंसर मिलता है, और टेलीफोटो लेंस में सोनी IMX709, और फ्रंट कैमरा ये फोन 16 मेगापिक्सल का लेके आता है। इसके अलावा इसके रियर कैमरे में OIS और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का और ब्राइटनेस 950 निट्स की मिलती है, और ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 67 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 26,000 में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Samsung Galaxy A25 स्मार्टफोन। गाइस Samsung का ये फोन कैमरे की क्वालिटी काफी तगड़ी लेके आता है, तो अगर आपको इस रेंज में Samsung के किसी कैमरा सेंट्रिक फोन को लेना हो तो ये फोन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिल जाता है Samsung Exynos 1280 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है, और अगर आपको कोई गेमिंग फोन लेना हो तो मैं आपको इस फोन को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन डे टू डे के काम इसमें आप आराम से कर पाएंगे, और कैमरे की क्वालिटी भी इसमें काफी अच्छी मिलती है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे की सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाता है। और इसके रियर कैमरे में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, और फ्रंट कैमरा इसमें 13 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, और इस डिस्प्ले में कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग भी तगड़ी मिल जाती है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5P प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और ये फोन एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ भी आता है, और इसमें आपको 4 साल के OS अपग्रेड और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल जाते हैं। और सबसे खास बात, ये फोन सैमसंग की नॉक्स सिक्योरिटी भी लेके आता है, जो कि सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में मिलती है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और चार्जिंग 25 वाट की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको थोड़ा सा महंगा 27,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है पोको X6 Pro स्मार्टफोन। गाइस अगर आपको कोई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लेना हो तो ये फोन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें काफी पावरफुल प्रोसेसर का यूज किया गया है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर, जो फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है, और गेमिंग भी इसमें आप मक्खन कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और इसके मेन कैमरे में OIS और EIS दोनों मिल जाते हैं, और ये फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी लेके आता है, और फ्रंट कैमरे इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 6.67 इंच की डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ का, SDR10+ का सपोर्ट और ब्राइटनेस 1800 निट्स की मिलती है, और ये फोन गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन भी लेके आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000mAh की बैटरी मिलती है, और चार्जिंग 67 वाट की लेके आता है। साथ ही ये फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी लेके आता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं, तो ये फोन आपको 26,000 में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का
वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन नथिंग फोन 2 है। गाइस नथिंग का ये फोन एकदम न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है जो ग्लिफ इंटरफेस के साथ आता है। इसके अलावा इस फोन में आपको सारी फीचर्स एक बैलेंस के साथ भी मिलते हैं। तो अगर आपको इस रेंज में कोई ऑलराउंडर फोन लेना हो तो नथिंग फोन 2 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में मिलता है MediaTek Dimensity 7200 प्रो प्रोसेसर जो काफी तगड़ा चिपसेट है और इसमें आप गेमिंग भी अच्छी खासी कर पाएंगे। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और इसके मेन कैमरे में OIS और EIS दोनों मिल जाते हैं और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का SDR10+ का सपोर्ट और Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन में मिलती है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 4500mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 45W की मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 मिल जाता है जो नथिंग OS के साथ आता है। तो फाइनली इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 8GB RAM 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेते हैं तो ये फोन आपको 26,000 में मिल जाता है।